जिंदगी नहीं थी आसान, पर वो बदलाव लाने वाली थी। हर सामाजिक रुकावटों से लड़कर महिलाओं को उनका हक दिलाने वाली थी। लोगों की सोच बदलकर महिलाओं के माथे से अज्ञानता का कलंक मिटाने वाली। अरे वो अकेली नारी सब पर भारी थी। 173 साल पहले फर्स्ट गर्ल्स स्कूल खोलने वाली थी। वो सिर्फ एक महिला नहीं, एक योद्धा थी। क्योंकि अशी संघर्ष करेल वो, जशी होती तुमची आई, लोकांची सेवा करून करून आपला जीव देणारी, ती होती आमची सावित्री बाई। नमस्कार, जय हिंद। संडे स्पेशल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको जिनके बारे में बताएंगे, उनके ही वजह से आप सभी महिलाएं मोबाइल का यूज़ कर पा रहे हो, हमारी वीडियो देख पा रहे हो। उनके ही वजह से आप सभी लड़कियां स्कूल जा पा रहे हो। उनके ही वजह से आप पुरुषों से कंधा मिलाकर चलने की सोच अपने दिल में रख पा रहे हो। हम बात कर रहे हैं भारत की प्रथम महिला अध्यापिका यानी फर्स्ट इंडियन फीमेल टीचर सावित्री बाई की। सावित्री बाई का जन्म महाराष्ट्र के नायगांव में 1831 में हुआ था। फिर 1840 में सिर्फ 9 साल की उम्र में ज्योतिराव फुले के साथ उनका विवाह हुआ। 9 साल मतलब एक फोर्थ स्टैंडर्ड की बच्ची। सीखने की प्रबल चाह रखने वाली सावित्री बाई से ज्योतिराव फुले यानी उनकी पति ने प्रभावित होकर सावित्री बाई को पढ़ना लिखना सिखाया। अहमदनगर और पुणे में टीचर बनने की ट्रेनिंग ली। फिर 1847 में अपनी चौथी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद एक योग्य शिक्षक क्वालिफाइड टीचर बने। ज्योतिराव फुले, जिन्हें ज्योतिबा फुले भी कहते हैं, वो खुद एक समाज सुधारक थे। तो सावित्री बाई ने अपने पति के साथ मिलकर 1848 में इंडियाज फर्स्ट गर्ल्स स्कूल खोला और फर्स्ट इंडियन फीमेल टीचर भी बनी। एक साल में ही सावित्री बाई और ज्योतिबा फुले के अथक प्रयास से इस स्कूल ने सफलता हासिल की और फिर 1853 में शिक्षा समाज की स्थापना की और लड़कियों और महिलाओं के लिए और भी बहुत सारे स्कूल खोले। सब कुछ सुन के ये सब करना आसान लग रहा है, नहीं? सावित्री बाई ने सब आसानी से कर लिया होगा? नहीं, सावित्री बाई के जीवन में तिरस्कार ऐसा कि रूह कांप जाए। जब वो स्कूल के लिए निकलती थी तो एक एक्स्ट्रा साड़ी थैले में लेकर चलती थी। क्यों? क्योंकि गंदी सोच वाले अपने मन की गंदगी सावित्री बाई पर फेंकते थे। यहाँ तक कि उन पर इंसान और जानवरों के मल तक फेंकते थे। इन सब से मन नहीं भरता तो लोग पत्थरों से चोट भी दे देते थे। फिर वो स्कूल पहुँचती, स्नान कर दूसरी साड़ी पहनकर अपने जीवन राह में आगे बढ़ जाती। अरे चेहरे पर ना लाली थी, फिर भी वो एक हिम्मती नारी थी। हर दाग को स्कार्स ऑफ विक्ट्री समझने वाली, हारी नहीं कभी, वो सावित्री बाई थी। इतना ही नहीं, विधवाओं से सहानुभूति रखते हुए 1854 में उनके लिए आश्रय स्थल भी खोला और 1864 में परिवार से निकाली गई बेसहारा स्त्रियों, विधवाओं और बालिका वधुओं के लिए बड़े आश्रय स्थल खोलने की राह प्रशस्त की और उन्होंने इन सभी को प्रशिक्षित भी किया। अपना खून पराया खून करने वाले लोगों के समय में एक विधवा के बेटे यशवंत राव को गोद भी लिया। ये होती है ममता, क्योंकि माँ की ममता को गर्भ धारण करने की जरूरत नहीं होती। दलित वर्गों को सार्वजनिक कुएं से पानी पीने की मनाही थी तो ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई ने अपने घर के पीछे एक कुआं खोदा। 1890 में ज्योतिबा फुले का निधन हो गया। समाज के फालतू नियमों को तोड़कर सावित्री बाई ने उनके चिता को अग्नि दी। 1897 में जब महाराष्ट्र में प्लेग फैल गया तो सावित्री बाई सिर्फ देखते नहीं बैठी थी बल्कि लोगों की हेल्प करने इन्फेक्टेड एरियाज में गई। प्लेग पीड़ितों के लिए पुणे हड़पसर में एक दवाखाना भी खोला। अपनी बाहों में 10 साल के प्लेग संक्रमित बच्चे को हॉस्पिटल ले जाते समय वो खुद इन्फेक्टेड हो गई। सोचो क्या ममता थी उनके हृदय में कि एक पराए बच्चे का दर्द सहन नहीं कर सकी, सीधा गोद में उठाकर हॉस्पिटल के लिए दौड़ पड़ी। प्लेग संक्रमित होने के कारण 10 मार्च 1897 को आमची आई सावित्री बाई वैकुंठ चली गई। कर्मण्यता ऐसी कि देह त्याग भी लोगों की सेवा करते करते करी। पूरा जीवन एक मिशन की तरह जीने वाली, हमारी माँ की तरह हमारे उज्जवल भविष्य के लिए संघर्ष करने वाली हम सब की आई सावित्री बाई को हमारा शत शत नमन। आप सभी से अनुरोध है कि अपनी प्रेरणा का स्रोत महान रखिए, ऐसे लोगों को अपनी प्रेरणा बनाइए, न कि ऐसे लोगों को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, फ्री है बिल्कुल, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।